वीपी वन एक बार नहीं 11 बार वीपी वन रह चुके। जो रिजल्ट इसका मिला हमें किसी का नहीं मिला। ये लेटेस्ट 2 से 2.5 महीने की है सारी दो। अगर आप एक डॉग लवर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और धमाकेदार होने वाली है। तो बरकरार रहिए वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि डॉग के बारे में क्या ब्रीड है, क्या उनको खाना चाहिए और किस टाइप के ये रहते हैं। तो चलिए मेरे साथ ऐसे ही डॉग से मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी जो बहुत ही खास है। तो स्किप मत कीजिएगा, चलिए मेरे साथ। अभी हम आ चुके हैं अंदर और हमारे साथ सर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। अपना नाम और आपका जो विला है सही एड्रेस आप बता दीजिए। नाम है मोनू राणा, गांव में जानते हैं मोनू राणा के नाम से सभी। और जो हमारा ये कैनल है 152D, और ये आ गया यहाँ पे सामने नेशनल हाईवे 152 जी, इसके बिल्कुल यहाँ पे सामने हाईवे के ऊपर है। और कैनल का जो नाम है हमारा द ग्रेट जर्मन शेपर्ड शिप विला जी, और इसको हम शॉर्टकट पे बोलते हैं GHD शिप विला। जो हमारे गूगल्स पे या हम किसी भी इंस्टा ID होगी, फेसबुक पे हो गया, तो हमारे वो GHD शिप विला के नाम से मेरे कैनल का नाम। सर जैसे अलग ही चीज दिखी हमें GHD शिप विला, तो किस तरह की ब्रीड आपके पास है, क्या कुछ आप खाने के लिए देते हैं? हमारे पास ओनली फॉर जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड रखने का रीजन है क्योंकि एक ये रॉयल ब्रीड है, आप जानते भी हो जी। और मेरे को ये जो ये शौक पड़ा है, मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड था जी। मैं इससे पहले एक डॉग लवर था जी। ये बाद में मैं एक ब्रीडर बना हूं। मेरा एक डॉग था जो उसका नाम था शिम्बा जी। तो वो एक्चुअली क्या हुआ, वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था। हाँ जी। जिसकी याद में मैंने कैनल ही एक खड़ा कर दिया। मतलब एक डॉग था आपके पास और हाँ। जिसकी डेथ हो गई थी और हाँ। उसकी याद में आपने मैंने कैनल शेफर्ड का काम करा, ओनली फॉर जर्मन शेफर्ड जी। तो सर मैं जानना चाहती हूँ, क्यूरियोसिटी और बढ़ चुकी है मेरी, कि आपके पास ऐसी क्या स्पेशलाइजेशन है कि मतलब जो डॉग है वो यहीं से ले। देखो मैम, डॉग का मतलब ये नहीं है कि हमने डॉग रखा, हमने क्वालिटी रखी है जी। हम क्वालिटी पे मेन मेरा फोकस है, क्वालिटी। लोग तो दुनिया बेच रही है डॉग, हमारा बेचना मकसद नहीं है, मेरा देना है क्या क्वालिटी, पैसा बाद में पहले क्वालिटी। हाँ, ये मेरी बीच है कायरा, ये वाली बीच। हाँ, ये मेरी कायरा बीच है, ये जो हमारे अपने इंडिया टॉप कर चुकी है VP1, एक बार नहीं 11 बार VP1 रह चुकी है, ये टॉप कर चुकी है इंडिया लेवल। यस मैम। और ये जो ये रोक है मेरा, ये खुद की ब्रीडिंग है। और सबसे बड़ी मेन बात है खुद की ब्रीडिंग को लग के आना। हाँ जी। तो खुद की ब्रीडिंग को मतलब हमारे जो अपनी ब्रीडिंग खुद टॉप लेवल पे जा रही है, तो सबसे ज्यादा फेथ होता है कि हाँ कुछ ना कुछ हमारे पास क्वालिटी। ये कैनल आपने स्टार्ट किया हुआ है, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? मैम मेरे को 7.5 साल के आसपास हो गए हैं। अभी आने वाले टाइम में देखना कि मैं एशिया लेवल पे ये कैनल तैयार करूँ। तो मतलब कि काफी अवार्ड भी इन लोगों ने जीते हैं। बिल्कुल। मैं आपको दिखाता हूँ इनकी विनिंग, वो आए अंदर ऑफिस में लगी है, मैं तो आपको विनिंग दिखाऊंगा। मैं इसकी बात करूँ, काफी अलग दिख रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। मैम ये हमारा सर्बिया से इम्पोर्ट है, तो इसका आप जानते हैं इम्पोर्ट अपने इंडिया में और वहाँ। देखो एक चीज है, हम अपने इंडिया का सबसे ज्यादा मानते हैं कि इंडिया में चीज है। बिल्कुल। अब ये चीज हमारी खुद की प्रोज नहीं है, BI है सारे जी। और ये है हो गया फॉरेन का डॉग हमारा। हाँ, ये फॉरेन का डॉग। हाँ मैम, ये फॉरेन का डॉग। तो क्या कुछ डाइट, इसकी तो स्पेशल डाइट रहती होगी सर? नहीं मैम, मैं फर्मीना ही देता हूँ इसको सबको, अपने जितने भी डॉग्स हैं हमारे सबको ही हम फर्मीना, जो फूड है हमारा फर्मीना के नाम से ही है, वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। तो मतलब कि अगर किसी को इतने छोटे छोटे पपी से इस तरह के ब्रीड अगर चाहिए, तो सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर एक बार अपना मोबाइल नंबर आप दर्शकों को बता दीजिए। नाम है मोनू राणा, 8649012000। तो जैसे कि सर ने बताया कि सर एक पहले से ही डॉग लवर थे और उस सिम्बा की याद में ही इन्होंने इतना बड़ा कारवा, मैं कहूंगी कि खड़ा कर दिया आपने उसकी याद में। प्राइस की अगर मैं बात करूं, अगर कोई लेना चाहे, तो आपका प्राइस क्या रहेगा?
मैम प्राइस मेन नहीं है, प्राइस के से पहले हम अपने हमारे कैनल के खुद एक रूल्स है जी। हम पहले ये कहते हैं भैया अगर रूल्स फॉलो करोगे तो हम आपको पप्पी देंगे, अदरवाइज तो पप्पी मार्केट में बहुत मिलते हैं, 2,000 रुपए में, 5,000 रुपए में जर्मन शेफर्ड मिल जाता है, तो भैया आप वहाँ से उठा सकते हो। तो हमारे क्या है, हम 45 डेज से पहले पप्पी सेल नहीं करते यहाँ पे। हम पहले क्या करते हैं कि उसकी फर्स्ट वैक्सीन कराते हैं 44 डेज पे, देन फिर सेल पे लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है भैया, हम जैसे क्वालिटी कुछ भी देना है तो हम उसको दिखाते हैं भैया ये फादर है, फादर इससे 19 भी हो सकता है, इससे भैया 21 भी हो सकता है, ये नहीं है कि भैया अगर 18 होता तो हम बच्चा आपसे वापस लेंगे, ऐसा वो चीज़ की यहाँ पे पॉलिसी है। फिर नंबर 3 क्या बात है कि यहाँ पे हमने जैसे आप पप्पी दिया है तो उसके साथ हमने पप्पी दे दिया, ये नहीं है कि ये भी बात खत्म है, अभी हाँ भैया आप जाओ और हम आप कौन मैं कौन वो सीन नहीं है। हम उसको पूरा एक डाइट चार्ट प्लान देते हैं कि भैया आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो अगर वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा भैया आपका बेनिफिट रहेगा और तभी हमारी प्योरिटी का उस चीज़ का पता लगेगा। ऐसा नहीं है भैया घर ले जाके आप उसको रोटी पे डाल रहे हो, तो फिर शेफर्ड नहीं रहता। तो मतलब कि अगर कोई कस्टमर लेना चाहता है तो ये मतलब नहीं है कि आप उसको कुछ भी डाल दें, हाँ, रोटी डाल दें या कुछ, उसकी एक सही क्वांटिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसका रेशो, मैंने बोला ना कि हम एक उसको वो परफॉर्मा बना के देते हैं भैया ये इसके अकॉर्डिंग आपने देना, इससे ज्यादा नहीं देना, इससे कम नहीं देना आपने। तो सर अगर मैं अप्रोक्सीमेट बात करूँ स्टार्टिंग रेंज और कहाँ तक आप, मैम हमारे पास 20,000 से स्टार्टिंग रहेगा जी और 150 एंड रहेगा मैम। तो मतलब और मैम उससे पहले क्या मैम, ये नहीं है कि हमने 20,000 बोल के हम उसको 19 में या 18 में कुछ ऐसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमारा फिक्स है, तो भैया मैं फिक्स है वो, उसमें से कुछ भी लेस नहीं होगा। तो मतलब कि मैं कहूंगी कि इन डॉग्स की, इन ब्रीड्स की जो कीमत है वो लाखों में रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्योर मैम। सर अगर कोई दर्शक आपसे अपने ही डॉग के बारे में कुछ क्वेरी लेना चाहे या कुछ भी जानकारी लेना चाहे तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपने यहाँ से लिया तभी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जो नहीं भी लिया वो भी अपने डॉग्स के लिए कुछ भी उसके प्रॉब्लम्स हो गया, कुछ क्रिएट हो रहा है, तो वो मेरे को जब मर्जी फोन कर सकता है, रात में 12 बजे भी फोन करेगा, हम उसका कॉल पिक करेंगे जी। तो एक नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, लोकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, कि अगर आप लोगों को भी ऐसे ही प्यारे और बहुत ही सुंदर डॉग्स चाहिए तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चलकर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो इन डॉग्स ने अवार्ड जीते हैं वो क्या कुछ है, किस तरीके के हैं और कितने इन डॉग्स ने अवार्ड जीते हैं, आइए चलिए। तो अभी हम आ चुके हैं अंदर, जैसे कि मैंने आपको बाहर बोला था कि इन डॉग्स ने जो है अवार्ड भी जीते, हमारे दर्शकों को बताइए। एक तो होता है कि बाहर से लेके जीताना, एक हमारी खुद की ब्रीडिंग टॉप इंडिया जी, अपने ये नहीं है कि हम मतलब अपने लोकल शो में जा रहे हैं, नहीं हम केसीआई के शो में जाके हमारे टॉप देखो, ये VP1, ये SG2, ये अभी हाँ ये जयपुर के शो है, दिख रहे हैं ना भैया, इसमें सारा कुछ मेंशन है किस जज के नीचे है, सारा कुछ, ये सारी ट्रॉफीज हमारे मतलब कैसे शो की है। तो मतलब ये किस किस्म में, मतलब कि उनकी वैरायटी, हाँ, उनकी बॉडी का, हाँ नहीं नहीं उसमें क्या होता है प्योरिटी और उसका जो एक शेफर्ड होता है ना, जैसे उसके टाइप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो देखा गया है कि हाँ ये वाकई में शेफर्ड है, ये नहीं है कि ये मिक्स है कुछ है, नहीं वो खुद की हमारी खुद की ब्रीडिंग टॉप, उसमें इंडिया में आने के बाद हमें एक फेथ होता है कि हाँ वाकई में भैया क्वालिटी ले रहे हैं। तो मतलब कि जो ब्रीड आपने बाहर दिखाई उनके द्वारा ये अवार्ड जीते गए हैं, ये देख सकते हैं। और ये पिछले, ये नहीं है कि ये कई सालों के हैं, ये लेटेस्ट 2 से 2.5 महीने की है सारी ट्रॉफीज। तो मतलब मैं कह सकती हूँ ये अवार्ड हो, ये प्योरिटी के अवार्ड है, प्योरिटी के अवार्ड है मैम। तो अगर आपको क्वेरी है तो आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, अगर आपको डॉग लेना है तो भी आप यहाँ पर विजिट कीजिएगा पेवारोड में। दोबारा सर से एक बार गुजारिश करूंगी कि एड्रेस दोबारा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। 152 और 152 डी, यहाँ से 1 किलोमीटर जस्ट आगे से स्टार्टिंग होता है और ये हाईवे पे ही पड़ता है अपना कैनल, GHD शिप विला के नाम से मेरा कैनल है, ये नाम मेरा है मोनू राणा और नंबर है जो मेरा 8649012000 जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉग की प्योरिटी के अवार्ड भी आप लोगों ने देखे, इसके अलावा यहाँ पर जो डॉग्स के लिए फूड सप्लीमेंट्स हैं, हाँ, वो भी अवेलेबल है, हाँ, वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल बिल्कुल। फर्मीना एक NND के नाम से फीड आती है, मैं खुद वो यूज करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ, क्या मैं यूज करता हूँ, अपने जितने पेट हम सेल भी करते हैं अदरवाइज को और भी फीड रखी है, जो फर्मीना का हमें रिजल्ट मिला है, जो मैं खुद अपने पर्सनली डॉग को यूज करता हूँ, तो ये वाला यूज करता हूँ जी। तो ये
फूड सप्लीमेंट आप यूज करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं फर्मिना के जो नाम ले रहा हूँ, एक यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास विश्व भैया आए थे जिससे मैं जुड़ के आज मैं फर्मिना में मैंने काम करा है, और जो उसका हमने फीड अपने पर्सनल पहले हम सेल करने से पहले खुद पे यूज करते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है, देन फिर हम सेल पे लगाते हैं। फिर हम हर पप्पी को, हर बंदे को मैं तो यही कहता हूँ कि भैया अगर आपको अपने डॉग एक क्वालिटी वाइज बनाने हैं तो मैं कहता हूँ फर्मिना से ऊपर फीड नहीं है भैया। तो मतलब कि हम साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास डॉग है वो खाना, रोटी या वो चीज ना देके आप इन चीजों को देकर भी अपने डॉग को प्योर और अच्छे हेल्दी बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आपको कोई भी क्वेरी है डॉग्स को लेकर, अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक प्यारे छोटू मोटू गोलू से डॉगी अगर आपको घर में चाहिए, तो ऊपर दिए हुए नंबर को आप कॉल मिलाना है और सर से बात करनी है। और जी, मैं ये कहता हूँ कि जैसे किसी को फूड लेना है तो भैया आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक मेरे को सबसे ज्यादा फूल सपोर्ट करी है रजी आबास जी, जिसने मेरे को आज मेरे पहले मेरे को सैंपल दिए गए थे, हमने फिर वो यूज करे, यूज करने के बाद हमें इतना रिजल्ट बहुत सारे ऐसे आपने डॉग फार्म भी देखे होंगे जहाँ पर डॉग अवेलेबल है, लेकिन अगर हम प्योरिटी की बात करें तो उनका भी हम लोगों ने आप लोगों को दिखा दिया, प्योरिटी का अवार्ड जो है वो इनको मिला हुआ है। तो जैसे कि हमने बोला था कि जो डॉग लवर है उनके लिए वीडियो काफी अच्छी और धमाकेदार होने वाली है, और आपको जानकारी भी मिल ही चुकी होगी जिन लोगों के पास डॉग है, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नंबर भी दिए गए हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। लोकेशन में, जो डिस्क्रिप्शन में हम लोकेशन भी आपको डाल रहे हैं, और आप विजिट भी कर सकते हैं यहाँ पर। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, और हिसार वाला चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही मजेदार और धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।